फ्रेंड्स, डोसा खाना हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, पर उसका प्रोसेस इतना टाइम टेकिंग होता है कि जल्दी बनाने की इच्छा नहीं होती है और यही मन करता है कि बस बाहर जाएं और तभी डोसा खाएं। पर आज मैं आपके लिए इंस्टेंट डोसे की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकेंगे और बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 कप चावल का आटा। तो चावल का आटा मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में चावल को बहुत ही बारीक सा पीस लीजिए और आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं 1/2 कप डाल दे रही हूँ सूजी। तो 1.5 कप चावल का आटा है और 1/2 कप सूजी है, कुल मिलाकर के टोटल 2 कप है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और 1 चम्मच में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ खड़ा जीरा। तो ये खड़ा जीरा हो गया और अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज है, गाजर है, बारीक कटी हरी मिर्च है, करी पत्ता है कटा हुआ और हरी धनिया काट के डाल दी है। ये सब कुछ मैंने बारीक बारीक काट रखा है और अब हम इसमें इसे मिला देंगे। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ इसमें प्याज डाल के भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा बारीक काट के शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये सब मैंने डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सारी सामग्री ली थी, तो 2 कप में कम से कम हमें 4 कप पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि 2 कप चावल का आटा और सूजी मिला करके था। तो अब हम इसमें 4 कप पानी मिलाएंगे। जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये वही कप है जिससे मैंने चावल का आटा लिया था। तो अब 1-1 कप करके मैं धीरे धीरे करके डालूंगी, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे। तो पहले मैंने 1 कप डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ऐसे धीरे धीरे करके 3 कप मैं और डाल दूंगी। तो ये देखिए 1 कप पानी मैंने और डाल दिया, यहाँ पे 2 कप हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनिंग होती है, एकदम पतला सा हमें चाहिए, ज़रा सा भी थिक इसे नहीं होना है। तो ये देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया है इसमें और अब धीरे धीरे करके मैं 2 कप पानी और मिक्स कर दूंगी। तो ये इस तरह से करने से इसमें लम्ब्स भी नहीं पड़ेंगे और पेस्ट बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। तो ये देखिए अब 2 कप पानी मैं साथ ही में और डाल दे रही हूँ। तो ये 1 कप डाल दिया, यहाँ पे 3 कप हो गया और 1 कप और डाल दे रही हूँ। तो ये कुल मिलाकर के 4 कप पानी हो गया है। तो अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा थिक है बैटर, तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे ढक करके हम 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसमें जो सूजी है और चावल वगैरह है वो थोड़ा अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए स्पून में ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो चलिए अब इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और तब तक हम इसके लिए एक चटपटी सी पीनट की चटनी बना लेते हैं। तो चलिए अब इसे साइड कर देते हैं। पीनट चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चने की दाल। तो ये 2 बड़े चम्मच चने की दाल मैं डाल दे रही हूँ। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है, तो इसे लगातार ऐसे चलाते रहिए। और साथ ही में हम डाल देंगे 1/4 कप यहाँ पे मूँगफली। तो 1/4 कप मूँगफली और ये चने की दाल दोनों एक साथ हम भून लेंगे। ये देखिए ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। तो ये मैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल दे रही हूँ, इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए और जब ये सब कुछ अच्छे से भुन जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 लाल मिर्च। तो ये 2 लाल मिर्च मैं सूखी हुई डाल रही हूँ और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। तो लाल मिर्च और करी पत्ता बिल्कुल लास्ट में डालें जिससे ये जले ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सारे इंग्रेडिएंट्स भुन गए हैं। तो चलिए अब इसे मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सी का जार मैंने ले लिया है और अब सारे इंग्रेडिएंट्स ये मैं इसमें डाल दूंगी, जो भुने हुए इंग्रेडिएंट्स थे हमारे। इसमें हमें कोई कोकोनट वगैरह नहीं डालना पड़ता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये चटनी बन जाती है और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया है और इसमें अब कुछ चीज़ें और मिला देंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं इमली की चटनी इसमें डाल दे रही हूँ, आप इमली का पल्प भी ले सकते हैं, पर अगर आपके पास ये सब ना हो तो आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी।
और साथ में हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल दिया। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। तो हमारी चटनी यहाँ पीस के तैयार हो गई है और ये देखिए इसे मैं यहाँ पे कटोरी में निकाल दे रही हूँ। बहुत ही स्मूथ सी चटनी ये पीसी है। तो अब इसके ऊपर लगाने के लिए हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही पैन ले लिया है और उसमें एक चम्मच मैं तेल डाल दे रही हूँ। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई या फिर आप मस्टर्ड सीड भी ले सकते हैं। और ये अच्छे से हम चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे उड़द की दाल। तो इसे हम लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते और एक लाल मिर्च तोड़ करके। तो ये पूरा तड़का हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। थोड़ा सा हींग भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और अब इस तड़के को हम चटनी पे डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। तो ये तड़का मैं चटनी पे डाल दे रही हूँ और हमारी यहाँ पे टेस्टी सी पीनट चटनी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम डोसा तैयार कर लेते हैं अपना। तो गैस पे मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा दिया और इसे हमें बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लेना है। और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे एक दो बूंद ऑयल। और जब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी का छींटा। तो इससे क्या होगा, तवे का टेम्परेचर बिल्कुल मैनेज हो जाएगा और हमारा डोसा डालते ही जलेगा नहीं। और इसके बाद हम इसे एक टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे जिससे तवा चिकना हो जाएगा और डोसा नीचे चिपकेगा नहीं। और अब हम इसके ऊपर अपना डोसे का बैटर डालेंगे। तो इस बैटर को आप किसी कलछुल वगैरह से मत डालिए, बड़ी सी एक कटोरी से डालिए जिससे फटाफट से ज़्यादा बैटर पड़ सके। तो ये देखिए बिल्कुल पतली सी लेयर हमें डालनी है इस पे, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत ही अच्छे से ये जालीदार सा तैयार हो जाता है। तो थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और जब ऊपर की परत सूख जाएगी तो इसके ऊपर हम एक दो बूंद ऑयल डाल देंगे। तो ये देखिए ऊपर की परत सूख गई है और इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे जिससे ये अच्छे से निकल जाए और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा बने। तो थोड़ी देर अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं, जब नीचे से ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब इसे निकाल देते हैं। तो बहुत ही आराम से आप ऐसे करके निकालिए। और जब ये अच्छे से पक जाता है तो किनारों को बहुत ही आराम से छोड़ देता है। तो ये देखिए ये मैं ऐसे पलट करके दूसरे साइड से भी पका ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कलर इसका आया है। और इसे एक मिनट के लिए हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे। फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे पका लीजिए। ये देखिए और ये इस साइड से भी अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसे पलट देते हैं। और ये देखिए क्रिस्पी सा हमारा डोसा यहाँ बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और ऐसे ही एक डोसा मैं आपको और बना के दिखा दूँगी। तो चलिए एक डोसा और बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद इस पर डाल देंगे पानी का छींटा। और तवा हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए और इसके बाद हम इसे अच्छे से पोंछ देंगे टिश्यू पेपर से। और उसके बाद हम डाल देंगे अपने डोसे का बैटर। तो डोसे के बैटर को बार बार आप चला चला करके डालिए, नहीं तो नीचे चावल और सूजी बैठ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप डाल दीजिए अच्छे से और इसे अब थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए जब तक कि ये ऊपर से सूख ना जाए। तो चलिए अब इसे पकने देते हैं और फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे पका लेंगे और इसके बाद जब ये ऊपर से सूख जाएगा तो हम डाल देंगे थोड़ी सी तेल की बूंदें जिससे ये आसानी से निकल जाए और काफ़ी क्रिस्पी सा तैयार हो। तो ये थोड़ा सा तेल मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 बूंद ही लगते हैं। और ये अच्छे से यहाँ पर तैयार हो गया, इसने किनारे भी छोड़ दिए हैं और अब हम इसे पलट लेंगे। तो बराबर से आप ऐसे करके निकाल लीजिए किनारे से, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पलटा लगा करके निकालते हुए। और एक साथ अब हम इसे ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी सा डोसा दिख रहा है। और दूसरे साइड से भी हम एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से सेंक लेंगे जिससे ये थोड़ा कुरकुरा हो जाए। तो चलिए अब इसे सेंक लेते हैं। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे भी ऐसे रैप कर लेते हैं और हमारा ये डोसा यहाँ पर रेडी हो गया है। तो अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही यमी टेस्टी और डिलीशियस सा चावल का इंस्टेंट डोसा बनके हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम इसे लगता है बनाने में, इंग्रेडिएंट्स भी आपको सब कुछ आपके घर पे ही मिल जाएंगे और डिलीशियस ये इतना होता है कि पूछिए ही मत। तो अब आपका जब भी डोसा मन करे खाने का तो आपको बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, फटाफट से आप इसे अपने घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत सारी और रेसिपीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखी है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लें। तो मिलते हैं कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।